मारो ना बेबी, तो बच्चे दिखाने। ये देखो गाइस मार रही, कितनी पीछे हट जाओ। हुई 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 माशाल्लाह मस्त के। ये देखे माशाल्लाह बच्चे निकले नहीं हाल लगाने दे आप। तो ये देखे हमारे पिजन घूमी जा रहे हैं, तो हम ताला खोलते हैं और अंदर एंट्री डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम ठीक है, खैरियत से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जो लोग अपना शुरू करते हैं, तो आज मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पिजन्स पर है, कबूतरों पर है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ पिजन्स और कबूतर की फुल डिटेल दूंगा, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे पिजन ने काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकाले, काफ़ी ज़्यादा अंडे दिए हुए हैं। तो लहदा से वीडियो बना देता हूँ ताकि लेंथी ना हो ज़्यादा, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, मुझे बनाने में भी दिक्कत महसूस होती, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, काम पर भी जाना होता है। अगर वीडियो भी बनानी, अपलोडिंग भी करनी, एडिटिंग भी करनी, काफ़ी ज़्यादा काम बन जाते, जिसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लेंथी ना, मुझसे एक बना नहीं मैं पाता, और दूसरा ये कि मैं मुझसे एडिटिंग में यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से मैं शॉर्ट से शॉर्ट यानी कि 8-9-10 मिनट तक लेंथ ही बनाता हूँ, इससे ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता। इंशाल्लाह बनाया करूँगा, जब ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा ज़्यादा आप भाई को सपोर्ट करेंगे, आपका भाई फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देगा। जब फिलहाल इतनी वीडियो से आपको गुजारा करना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं और अपने जो पिजन का सेटअप है आपको विज़िट कराते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें दोस्तों हमारे पिजन जो बैठे हुए हैं सेटअप पर, तो शाम का वक्त है जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत ख़राब आएगी, तो आपने अवॉइड करना है, वीडियो में गुस्सा नहीं करना। तो माशाल्लाह से ये देखें एक नर और मादी ऊपर ही बैठे हुए हैं हमारे सर के ऊपर, काफ़ी फैंसी और यूनिक जोड़ा है। ये देखें माशाल्लाह से इनकी आँखें चेक करें, ये ब्लैक है इसकी आइज़ और इसकी जो ऑरेंज है और ब्लैक है इसमें शेडो, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा पेयर है, ये भी नया पेयर है। उससे जो बच्चा निकला था ना वो बड़ा हो गया, और इस पिजन ने ना माशाल्लाह से अंडे भी दे दिए। ये देखिए माशाल्लाह से अंडे दिए हुए, इसको ज़्यादा नहीं तंग करना, और नहीं तंग करते, बैठे रहो इजी हो। और इधर माशाल्लाह से इसने भी ये देखे अंडे दिए। तो इसी वजह से मैं बार बार आपसे कह रहा था कि अलहदा से वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना होगी। तो ये देखें ये जो बच्चा निकला था ना इसका वही हाल हुआ है, पिजन पॉक्स हुआ इसको बेचारे को, अभी तक पिजन पॉक्स हुआ। आँखें देखें, नाक देखें, कान देखें बेचारे के, जो पिजन पॉक्स है ना बहुत बुरा हाल की है। ये एक दो दिन ही मेहमान ही लगता है मुझे, काफ़ी दिन हो गए मैं इसको ऐसे ही देखी जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को। तो आज मैंने हिम्मत की, मैंने कहा चलें कोई नहीं सेटअप पे चलते हैं और आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि हमारे कंडीशन क्या है बच्चों की जो निकले नहीं हूँ। तो इसकी ये कंडीशन हुई हुई है, अरे बिस्मिल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह से इसने अंडा तो दे दिया, लेकिन इसका जो बच्चा था ना वो पिजन पॉक्स की वजह से नहीं रहा, मर गया बेचारा। यही वजह गाइस, इस वजह से मैं बना नहीं रहा था वीडियो, क्योंकि जो हमारे जो भी ये देखें ना इसके हालात देखें, होए 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 गाइस देखें, गाइस मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। ये देखें इसकी आँख कान, हुए अल्लाह अकबर, ये देखें बेचारे के क्या हालात हुए। ये देखें इसने अंडा तो निकाल लिया, लेकिन इसका जो बच्चा था ना पिजन पॉक्स की वजह से वो मर गया। और इधर भी ये देखें माशाल्लाह से इस, तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से इसने अंडा और बच्चा भी निकल आया इसका, सुबह निकला है बच्चा। तो फिलहाल ये दूसरा है ना, ये दूसरा जो रात कर इंशाल्लाह निकल आएगा बच्चा दूसरा भी, अभी एक ही निकला है, आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से जो बच्चा निकल आया, अभी एक निकला है, दूसरे का शाम तक या रात कर इंशाल्लाह निकल आएगा। ओए ये गाइस अंडा पता नहीं, तो गाइस ये देखें ये अंडा पता नहीं कहाँ से आ गया, ये पिजन इधर ही दिया, ये अभी दिया है किसी पिजन, हमारे इन पिजन में से ना किसी ने इधर ही अंडा दे दिया। ओए होए अब इसका क्या करें, अभी इसको इधर ही पड़ा रहने देता हूँ, देखता हूँ किसने दिया, अगर देखता हूँ किस पिजन ने दिया, जब दूसरा देगा तब हम उठा के ना इधर, मेरा दादा इधर बना देते हैं इसका जो घोंसला है, ताकि इधर जो अंडा, ताकि ये इधर दूसरा अंडा भी। तो गाय ये देखें माशाल्लाह से जो हमारे न्यू बेबी निकले थे इनके भी बेचारे की ये देखें पिजन पॉक्स हुआ हुआ, इनकी अलामत भी ज़ाहर होने लग गई है। ओए और इधर ये देखें माशाल्लाह से इसने बच्चा निकाल ली, मारो ना बेबी, तो बच्चे दिखाने। ये देखो गाय मार रही, कितनी पीछे हट जाओ। हुई 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 माशाल्लाह मस्त के। ये देखे माशाल्लाह बच्चे निकले नहीं हार लगाने दे, आपको दिखा दूँ। ये देखिए अंडे दिए, नहीं कुछ कहता अंडों को माशाल्लाह से। ये देखें इसने भी अंडे दिए, अंडा दिए। ये देखें माशाल्लाह से इसने भी अंडे दो दिए हुए हैं, बैठे रहो नो डोंट डिस्टर्ब मी। और ये देखें ये जो बच्चे निकले थे और ये जो बच्चे निकले थे, दोनों बेचारे पेयर को ना पिजन पॉक्स हुआ हुआ है, जिसकी वजह से बेचारे ना ठीक से खा पाते हैं ना पीते हैं, बेचारे के जो मम्मी डैडी डाइट दे देते हैं बस वही उससे गुजारा हो रहा है इनका।
माशाल्लाह से ये देखिए इसके जो बच्चे निकले ये काफ़ी हेल्थी और एक्टिव है फिलहाल तो। अल्लाह करे, दुआ करें इनको बेचारों को पिजन पॉक्स ना हो बेचारों को। ये ना बीमारी जब हो जाती है तो पूरे सेटअप पर हो जाती है, पूरा सेटअप वरान कर देती है। और इधर ये देखें माशाल्लाह से, तो दोस्तों माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप दोनों बच्चे, ये हमारे इधर जो निकले थे ना पिजन पॉक्स हुआ था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इनको ना जो मैंने एंटीबायोटिक दिया जो भी दिया मैंने, मामला रिकवर हो गए उससे, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। इसने माशाल्लाह से अंडे दिए और जो इधर थे ना ये देखे माशाल्लाह इसने बच्चे भी निकाल लिए, आँखें भी खोल ली इन्होंने माशाल्लाह। ये देखे काफ़ी अच्छी हेल्थी, काफ़ी अच्छे हैं और हेल्थी और एक्टिव हैं। ये देखे माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत भी, अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज फरमाए। तो दोस्तों हमारा जो पूरे का पूरा सेटअप पिजन्स का ना बाहर चला गया, क्योंकि मैं जो अंदर आ गया हूँ तो जिसकी वजह से डर के ये बाहर चले गए। कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, हफ्ते के बाद आ जाता है तंग करने। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सेटअप पर एक न्यू जो है ना पिजन आया है, मोज प्यारा, जिसके ना पाँव पर मोज होती है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत और यूनिक होता है। सर पर बोधी नहीं अभी निकली माशाल्लाह से, पाँव पर मोज है, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। आ जाए तो ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों इसके पाँव पर मोज है, काफ़ी खूबसूरत है इसकी, यानी कि पाँव पर मोज है। ये एक मादी है, अगर नर होता ना तो इसकी जो बोधी भी निकल आनी थी, तो फिलहाल इसकी बोधी नहीं निकली हुई। ये देखिए इसके पाँव पर मोज है, बोधी नहीं निकली, इसका मतलब ये है कि ये फीमेल है। अगर मेल होता तो इसके सर पर बोधी नहीं। ये देखिए इसको तंग कर रहे हैं सारे पिजन, ये देखें इनके हालात देखें, एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ते रहते हैं सारा दिन। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।